फ्रेंड्स, आज हम हमारे फ्यूचर टेंस की सीरीज में थर्ड पार्ट मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में बना चुका हूँ, और इससे भी पहले 8 वीडियोस, उसमें 4 वीडियो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और 4 वीडियो पास्ट टेंस की मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बना चुका हूँ। तो आपने वो ना देखी हो तो जरूर देखिए, क्योंकि उसके थ्रू एक सीरीज है, आप वन बाय वन समझते जाएंगे। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि परफेक्ट टेंस है मतलब वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म कंपलसरी आता है, ये हमें याद रखना है। अब हम देख लेते हैं ग्रामर के कुछ नियम, उसके अलावा मुख्य क्रिया के साथ क्या आता है। तो मुख्य क्रिया के अंत में आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे हम घर जा चुके होंगे, वह अपना काम कर चुका होगा, सीता खाना बना चुकी होगी। तो इस तरह के जो सेंटेंस यूज होते हैं उनको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम आते हैं अफर्मेटिव से। आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है। तो नियम देखते हैं अफर्मेटिव में क्या आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट विल और इसमें हैव आएगा, जैसे कंटिन्यूअस में भी आता था इसमें विल हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट। उसके अलावा नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में वही है सब्जेक्ट विल नॉट और फिर हैव आएगा, जैसे विल बी वाले में क्या था विल नॉट बी, इसी तरह से नेगेटिव में विल नॉट हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और WH। इसके बारे में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। इंट्रोगेटिव मतलब वो जिसका उत्तर आप हाँ या ना में दे सकें, और अगर WH फैमिली से कोई क्वेश्चन जुड़ता है साथ में तो आपको कंपलसरी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे व्हाट है क्या, व्हेन है समय कब, वेयर है जगह कहाँ, उसके बाद व्हाई तो क्यों, और हाउ तो कैसे, फिर वो आपको स्पेसिफाई आंसर देना पड़ता है। इसके अलावा हम इसके नियम देख लेते हैं। पहले इंट्रोगेटिव में विल, फिर सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से जैसे हमने कंटिन्यूअस में भी देखा था विल सब्जेक्ट बी, तो इसमें विल सब्जेक्ट हैव और फिर थर्ड फॉर्म आता है। इसी तरह से WH क्वेश्चन वाले में क्या आएगा, तो सबसे पहले WH जो भी है व्हाई हाउ व्हाट वेयर राइट, तो वो यूज करने के बाद फिर विल सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसान है, हम कई बार ये चीज की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप अगर बाकी सभी वीडियो में देखेंगे तो भी आप यही देखने को मिले। अब हम देखते हैं उसके एग्जांपल वन बाय वन। सबसे पहले अफर्मेटिव का, तो इसमें है राम किताब पढ़ चुका होगा, तो राम विल हैव रीड बुक। मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ दोस्तों कि कुछ एक वर्ब ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म चेंज नहीं होते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही रहता है, तो रीड भी उसमें से एक है। दूसरे में जब हम देखेंगे वी विल हैव रिटन लेटर, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है, सेकंड फॉर्म है रोट राइट, जो हमने सिंपल पास्ट टेंस जब बनाया था उसमें यूज की थी। सो राम विल हैव रेड बुक और वी विल हैव रिटन लेटर, इस तरह से सेंटेंस मतलब हम पत्र लिख चुके होंगे। हम अगर मुख्य क्रिया के अंत में जो आ रहा है उस शब्दों पे ही ध्यान दें तो हम कभी भी इन चीजें नहीं भूलेंगे। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करेंगे, राम विल नॉट हैव रीड बुक। रीड मतलब रेड, वो स्पेलिंग एक ही है, रीड रेड रेड पढ़ते हैं उसको ठीक है। वी विल नॉट हैव रिटन लेटर मतलब राम किताब नहीं पढ़ चुका होगा, हम पत्र नहीं लिख चुके होंगे। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, तो विल राम हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बुक, क्या राम किताब पढ़ चुका होगा क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर क्या होगा, या राम से पूछा गया तो राम का आंसर क्या होगा, हाँ या नहीं। इसमें नेगेटिव भी आएगा तो विल राम नॉट हैव रेड बुक, क्या राम किताब नहीं पढ़ चुका होगा, तो हम इस तरह से
यूज करेंगे। उसके बाद दूसरा है विल बी हैव रिटन लेटर, क्या हम पत्र लिख चुके होंगे, तो हमें बताया हमने लिखा होगा तो हाँ, और नहीं लिखा है तो उसका आंसर आएगा ना। इसी तरह से डब्ल्यू एच, उसमें क्या है आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वेन विल राम हैव रीड बुक, राम पत्र कब लिख चुका होगा, और वाई विल वी हैव रिटन लेटर, हम पत्र सॉरी राम में हम राम किताब क्यों पढ़ चुका होगा, राइट right? और सॉरी वेन है तो कब पढ़ चुका होगा, और जब लेटर की बात है तो हम पत्र क्यों लिख चुके होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बनते हैं। आपको जो करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बेहतर रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे और गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल और आइकॉन बेल भी प्रेस करें। थैंक यू।